So guys, you know, we have seen many lockdowns, but this lockdown is different. And we have seen many Ramadans, and this Ramadan is different. हमारे जो रमजान हुआ करते थे तो मस्जिदें खुली थी, तरावी होती थी, एक दूसरे के यहाँ जाते थे, एक साथ नमाज पढ़ते थे, बहुत मज़ा आता था. It was nice. अब क्या हो रहा है कि सब लोग अपने अपने घरों में हैं, यू नो, घरों में नमाज होती है, एक तरह से सारे घर मस्जिद बन गए हैं, तो सब कुछ, सारी इबादत घर में होती है, यू नो, एक दूसरे के यहाँ जा नहीं सकते, मिल नहीं सकते, इफ्तियारी साथ नहीं कर सकते, यू नो, कितना मज़ा आता था ना वो जब फ्रेंड्स यूज टू से दैट, यू नो, इफ्तियारी करा दे यार कहीं पे, यू नो, आज बाहर इफ्तियारी करते हैं, वहाँ करते हैं, तो इफ्तियारी अरेंज करते थे हम लोग मस्जिदों में, यू नो, आज ये फैमिली कराएगी, कल वो कराएगी, खजूर बांटते थे, वो सीन ही अलग था ना. नाउ इट्स लाइक नम, कुछ है ही नहीं, कुछ फील ही नहीं होता. और आपको पता है ये जो वायरस है ना, ये हमारे साथ रहने वाला है बहुत टाइम. इट्स नॉट लाइक दैट कि इसका वैक्सीन आज बन रहा है, कल बन रहा है, एक साल में बन रहा है. तो इवन इफ दिस लॉकडाउन इज लिफ्टेड, वी हैव टू लिव विद दिस फॉर क्वाइट सम टाइम. तो हमारी ज़िंदगी ना टोटली डिफरेंट होने वाली है, एक मूवी की तरह. सब लोग फिर बाहर जाया करेंगे, जस्ट इमेजिन हम लोग बाहर जाया करेंगे, सब लोग मास्क पहन के होंगे, रेस्टोरेंट्स भी अगर खुल जाते हैं तो रेस्टोरेंट्स में हम लोग मिला करेंगे, तो यू नो पूरा सोशल डिस्टेंसिंग हुआ करेगा, एक टेबल छोड़ के एक बैठा करेंगे, और हमेशा हम उन्हीं लोगों से बातचीत किया करेंगे या करीब आया करेंगे जिनको हम पर्सनली जानते हैं. तो विद स्ट्रेंजर्स जिनको हम पर्सनली नहीं जानते हैं, तो एक ऑकवर्ड सी, यू नो, झिझक जो होगी मिलने में उनसे या उससे बातचीत करने में, अंदर से वो डर लगा रहेगा कि यार जिसको जानते नहीं है उसको कैसे हाथ मिलाए, उसको कैसे अपने पास बिठाए, उससे कैसे बातचीत करें. तो वो वाला सीन होएगा, एक ट्रस्ट बिल्डिंग जो फैक्टर है ना वो मिसिंग होएगा. तो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स विच आर गोइंग टू हैपन, एंड आई जस्ट वांटेड टू टॉक अबाउट दीज थिंग्स टुडे. रमजान में हकत ना ही होती है, हैक्टिक है ना सर. आई स्टिल आई नो आई जस्ट हैड क्वाइट गुड स्लीप, पर क्या करें, अब तो इंतज़ार हो रहा है इफ्तारी का, वक्त करीब है. और बताएं, और बताएं, तो आप लोगों को कैसा लगता है ये रमजान, हाउ इज दिस डिफरेंट, जस्ट पुट डाउन योर कमेंट्स नीचे. आई वांट टू सी कि हाउ आर यू स्पेंडिंग योर रमजान इन दिस लॉकडाउन, तो हाउ इज द एक्सपीरियंस, कैसन लग रहा है आप लोगों को. और क्या बात करें. After the lockdown is over, no, डरे डरे से रहेंगे हम लोग बाहर जाने में, खुल के ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, you know, there will be this fear, डर लगा रहेगा हर जगह. So it's gonna be different after lockdown. And I wonder कि अगर ऐसा, तो मुझे लगता ही नहीं है कि पहले तो lockdown खुलेगा, अगर खुल गया तो it's not going to be easy. बहुत अजीब सी लाइफ हो जाएगी, हर चीज़ चेंज हो जाएगा, इवन वर्क कल्चर जो होगा, जो ऑफिसेज हैं, अब तो बहुत सारी कंपनीज को लगता है ऑफिसेज ही बेकार है, जो एम्प्लॉयज हैं उनको पता नहीं ऑफिस क्यों आना है, वो तो घर से भी काम कर सकते हैं. सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स. तो आई शट डाउन माय कैमरा बिकॉज हर जगह चेकिंग है, एंड आई हैड टू बाई मेडिसन्स, तो आई जस्ट केम आउट, तो
किसी ने रोका तो उनको ये चीज़ डाइजेस्ट नहीं हो जाएगी कि मैं सच में मेडिसिन लेने गया हूँ एंड दे विल सी दिस कैमरा, सो इट्स गोना बी अ मेसी सिचुएशन. सो इतने असल ग्राउंड पर फेस जस्ट लुक एट द व्यू राइट नाउ. पीछे देखो यार कितना, इट्स द बेस्ट गोल्डन आवर टाइम. और हमारा कल प्लान है, ओए कल का प्लान बन गया ज्यादा. मैं यार आया अस्पताल से तो कल हम लोग गांड बेर चलाएंगे. प्रॉपर्टी तो यहाँ से पूरा दिखाई देता है, सड़क वड़क मेन रोड पे. सो वी आर देयर राइट नाउ एंड द लाइट इज सो ब्यूटिफुल. So guys, finally is the iftari time. I just had a wonderful day. Thoda tiring tha, had to go a couple of places. So this was basically a basic vlog, you know, where I just tried to share my day. And you know, Ramzan ka time hai. So it's a time to give your love to this channel, like, subscribe and share this video if you like it. And you know, I'll be seeing you in the next video very soon. Till then, bye bye, take care. Ab thoda dua hua mangne ka time hai, so I need to leave. Thank you very much. See ya, bye bye.